की धजियाँ बखेरी जा रही हैं उसके ख़िलाफ़ अब हमने कोर्ट को रजू किया है, क्योंकि हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट कस्टोडियन है फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और इस हवाले से ना सिर्फ़ ये मेरे घर पे छापा मारा, हमारे एक दोस्त हैं खादिम साहब जो कि चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे थे, जो शाहीन कमिस्ट वाला दाऊद है उसके मुकाबले में, उसके घर पे भी पिछले 3 दिन से छापे मार रहे हैं। मुस्तकिल पुलिस खड़ी की हुई है, रात उसकी बीवी को उठा के ले गए, बीमार बीवी है। इसी तरीके से हमारा सेक्रेटरी जनरल है NA-47 का, मेरे हल्के का PTI का राजा कैसर अफार, नहीं राजा कैसर अफार, उसके घर से छापा मारा, उसके कज़न को और उसकी 80 साल बूढ़ी खातून माँ को उठा के ले गए। सर आप इसी तरह आप कोई रिकॉर्ड ले गए या कोई आपके जो नहीं वो अंदर नहीं आए, अंदर नहीं आए, लेकिन छापा मारा बाहर से, वो मेरा सारा सिक्योर था। लेकिन बहरहाल वो कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई ऐसी हरकत नहीं की, जो चीज़ प्रूफ है हमारे पास, एविडेंस है, वो हम देखें। रात की तारीकी में किसी भी जगह किसी के भी मौजूद शहरी के घर पे इस तरह छापे मारना, चोरों और डाकुओं वाली हरकतें करना, ये किसी पुलिस यूनिफॉर्म पर्सन को जेब नहीं देता, ना इनको इजाज़त है। चुके हैं कि पुलिस को क्रैक डाउन का मौका मिलेगा, तो वही क्रैक डाउन कराया जा रहा है, तो एहतजाज के लिए जो आप लोगों ने कॉल दिया है उसको मुंतशर करने के लिए या आप लोगों को बजन करने के लिए ये क्रैक डाउन शुरू हो चुका है। देखें हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं, इन चोरों से इन बदमाशों से मैं पूछता हूँ क्या कानून और आइन तब्दील हो गया है? अगर आइन और कानून तब्दील नहीं हुआ तो इस आइन के होते हुए कोई गैर आइनी इकदाम करेगा या गैर आइनी किसी का आर्डर कोई हुक्म मानेगा, वो ग़ुलाम ब्यूरोक्रेसी या पुलिस, वो गैर कानूनी हरकत करेगी, उनके ख़िलाफ़ एहतसाब की भी होगा, उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी होंगे। वक्त बदलने देर नहीं लगती इंशाल्लाह। सर 24 नवंबर को सर आप लोग आ रहे हैं डी चौक, उसके लिए तैयारी क्या है? और 5000 जो MP है उसको कहा गया कि आप बंदे लेके आए, और 10000 जो MN है, सर आपने आपके पास कितने बंदे होंगे आपके साथ? सर देखें इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा इनको सरप्राइज़ मिलेगा, आवाम का समंदर होगा, पूरे पाकिस्तान से निकलेगा, इस्लामाबाद रावलपिंडी से भी निकलेगा, KP से भी निकलेगा, सिंध और बलूचिस्तान से भी निकलेगा और पंजाब से भी निकलेगा। इनको एक बात समझ आ जाएगी कि ये फस्ताइत और यजीदियत ज़्यादा अरसे के लिए कायम नहीं रह सकती। सर बुशरा बीबी के किरदार को कैसे देख रहे हैं? वो बहुत मुतहरक नज़र आ रही है, लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि अगर उनके आने से मरूसियत सियासत हो रही है। सर देखें मरूसियत वाले मरियम नवाज़ को जाकर